ये देखो भाई साहब, सीन नहीं है, बवाल है बवाल। व्यू देखो भाई साहब, व्यू आग नहीं तबाही है, तबाही मतलब जिस बंदे कहीं जी लगा ना यहाँ लग जाएगा कि ऐसा सीन है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह जो मैं व्लॉग चला था यहाँ से, सो भाई सीन कुछ ऐसा टाइम हो रहा है 8:27 और खाबन पड़ा है जाई में फुल प्रॉपर, देख सकते हो आप। उठ तो 8 गया था, बस वैसे ही पड़ा था ना, नहीं सब उठेंगे ना आएंगे धोएंगे और फिर देखते हैं खाना खोना खा के बाजार में चलेंगे। ठंडे पड़े तेरे हाथ रहने दे यार। ये देखिए इधर ऐसे चूहे से डरते हैं। YouTube पे डाल दूंगा तेरी, डाल दियो, डाल दूंगा मैं तो फिर। रहने दे यार, ठंडे हाथ पड़े तेरे। ना तेरे को जा स्कूल भाग जा, लेट हो रहा। अभी तो 9:00 यार, फिर जल्दी जाना चाहिए स्कूल तो। नहीं जाना चाहिए। एक चीज दिखाऊं, एक चीज दिखाऊं, ये देखो भाई साहब। चलो फिर तालियां मारो, इतना अच्छा व्यू दिखा दिया वो भाई साहब। तो भाई नहीं बवाल है बवाल। बाकी जो हिमाचल का टूर कर चुके हैं या मतलब आ चुके हैं, उन्हें पता है कि यार हिमाचल का मतलब अलग ही लेवल है, मन लग जाता है हर बंदे का यहाँ पर। तो फाइनली यार हाथ आपका भाई लिया है और अब जा रहा हूँ मैं दुकान पे, जो कि दुकान है मेरे भाई की, रखी वेजिटेबल्स की दुकान है सब्जी की, जो कि मतलब यहाँ पर वो सिस्टम ही हरियाणा वाला यार, फेरी ला देते हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं बंदे, यहाँ पर अपनी दुकान है सिंपल, आते हैं जाते हैं, लोग लेके जाते हैं। जैसे वहाँ भी दुकान होती है बट वहाँ गाँव में भी आ जाते हैं, जैसे वो वाला सिस्टम नहीं है। तो कुछ सामान भी लेके आना मुझे, तो जल्दी चलते हैं और सामान भी लेके आएंगे वापस। पहले तो पहाड़ उतरना पड़ता है नीचे पूरा, देख सकते हो आप, ये देखो पहाड़ है पूरा, पहाड़ में बस हुआ दो, तो उतरते हैं। चलो सामान तो मैंने भर लिया है, अंदर रखा है, ये रखा जो भी चाहिए था सब कुछ भर लिया। सो अब घर पे देके आना है और फिर वापस आ जाएंगे, घर पे देके से वापस आऊँगा। तो ज़्यादा दूर तो मैं जा नहीं सकता यार, तो आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ। कुछ है मतलब है तो बहुत ज़्यादा यहाँ घूमने की, मैं अभी कहाँ जाऊँगा इसलिए कोशिश करूँगा मैं जाने की, आपको दिखाने की, एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल तो ये देखो और सामने का व्यू देखो भाई साहब। इस व्यू के लिए ना लाइक कर देना वीडियो को, इस व्यू के लिए प्लीज़ यार, इस व्यू के लिए ना पक्का लाइक कर देना, अगर नहीं किया ना सच कह रहा आग से व्लॉग डालना बंद। इतना अच्छा व्यू दिखा दिया यार आपको सामने, और क्या चाहिए यार। बाकी तो एक काम हो सकता है, जो से मेरे 4-5 सब्सक्राइबर आए हो और मेरे सीने में खंजर खोप दो अगर अब भी नहीं पसंद आया। सो ये देखो यार ऊपर, इधर तो हुआ है इस पहाड़ पे पूरे पे इधरली साइड और सारे पे तो बसा हुआ है ऊपर तक, मतलब अलग ही लेवल का सीन है और मस्त है, हर बंदे का मन लग जाता है यार। जिस बंदे का कहीं मन नहीं लगा ना यहाँ लग जाएगा, हिमाचल में कहीं भग जाओ, हिमाचल में कहीं भग जाओ मन लग जाएगा हर बंदे का। सो फिलहाल पुल पे चलते हैं, पुल के नीचे को जा रहा है जलाल, सो गिरी हम आपको दिखाते हैं, जो हमारे हरियाणा में जाके डांगरी में मिलता है ना वही जा रहा है, ये वही है, यहीं से जाता है वो, जब बारिश पड़ती है हमारे डांगरी में आता है। हरियाणा में रहते जो अम्बाला अम्बाला में रहते हैं उनको पता होगा। सो देखो ये है पुल, बहुत लंबा पुल आगे तक ही है, और आपको इधर का व्यू देखो, ये छोटी छोटी पहाड़ी है, पहाड़ों में पहाड़ियाँ, पहाड़ों की वादियाँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं दिखा रहा हूँ। ओ बाबा रे बाबा बाबा, आग नहीं तबाही, तबाही है ये तबाही। यार मुझसे जितना एक्सप्लोर हो सकता है एरिया मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि यार मैं अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे कहीं अकेला भेज भी देंगे, पर जाने का भी एक तरीका होता है। सो ऐसे सब मैं कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ तक दिखा दिया, सैके तो क्या दिखाऊँ, देख सकते हो आप, इस सैके तो क्या जाऊँगा बस यार, आगे तो कुछ नहीं है, आगे तिरमली है जो ये आगे पहाड़ है ना, आगे पुल पार करके जो पहाड़ आता है ना वहाँ पर मेरे मामा गाँव है, ये दादा हुए, यहाँ मेरे भाई रहते हैं, यहाँ पर एक रेणुका माता जी का मंदिर भी है, बहुत फेमस प्रसिद्ध है, पता ही होगा आपको यार।
बहुत से लोग आते हैं, भीड़ लगती है भाई साहब, पूरी पूरी भीड़ लगती है, जैसे कहते हैं ना तबाही, ऐसी भीड़ लगती है, मतलब मेला भरता है वहाँ पर। अभी भरा था 9 तारीख को, पता नहीं फरवरी में भरा था, इतना ख़तरनाक भरा था ना, क्या ही बताऊँ, मतलब लाजवाब था। अगर हो सका तो वहाँ पर रेणुका माता जी के मंदिर पर भी जाके आऊँगा, अगर हो सका तो उससे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा एरिया पूरा। तो फिलहाल तो ज़्यादा हो ही रहूँगा 2-3 दिन, क्योंकि शादी है 11 तारीख को, 12-13 को शादी है, तो 11 को जाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे मामा जी के लड़का है जो रोहित, वो रह रहा है अभी देहरादून। सो वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, मेरा मन नहीं लगेगा यार, यहाँ थोड़ा मन लग जाता है बाजार बुजुर्ग में, भाइयों के घर भी, तो भाइयों भी हैं, थोड़ा बहुत मन लग जाता है, बट वहाँ अभी मन नहीं लगेगा क्योंकि भाई नहीं है मेरे साथ का, मतलब उसी साथ मैं ज़्यादा रहता हूँ वहाँ, तो वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, मेरा मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं अभी 11 तक तो यहीं रहूँगा, 11 को वो वापस आ जाएगा देहरादून से, वहीं रह रहा है ना वो, स्टडी कर रहा है वहाँ पर। तो आप चलते हैं अब दुकान पर यार, जितना वो सेल्स करता था आसपास का एरिया जो ब्यूटीफुल है, दिखाने के लायक है, वह तो सारा एरिया यहाँ ब्यूटीफुल है, दिखाने के लायक है, सो मैंने दिखा दिया। तो देखो यार, ये रेणुका माता मंदिर, ये बोर्ड लग रहा है, झील भी है वहाँ, वहाँ एक झील है जिसकी आज तक कोई गहराई नहीं माप पाया। आगे दुकान पर, सो मैं बता रहा था कि यार झील है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है वहाँ पर, मैं बहुत बार गया हूँ बट मेला मैंने आज तक नहीं देखा वहाँ का, वो अलग बात है, बट छोटे छोटे जब मम्मी पापा के साथ आए होंगे जब, तो मुझे याद भी नहीं यार, सोदी में थी छोटे छोटे जब, बट अब मैं जब से मतलब सोदी आई है वो मैं 11-12 साल की 10 साल की, जब से मैंने नहीं देखा, मैं एक बार भी नहीं आया, बट कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आएगा मौका यार। और अभी भी नीचे से आया हूँ दौड़ कर, कोफी का पाउच लेके आया था तो वो लेके आया हूँ, दौड़ कर आया हूँ, दौड़ के गया था बोला पर खतरनाक वाला सीन, हिमाचल में दौड़ मतलब खतरनाक वाला सीन। की दुकान पर पड़ा था, मैं तो सो सी गया था, थोड़ा सा नींद सी आ गई थी, अंधेरा हो चुका है, सामने देखो पहाड़ पे कैसे लाइट दिख रही है, घरों की दिखाता हूँ आपको यार, ये पहाड़ है पहाड़, यहाँ दिन और रात हो अलग ही लेवल का व्यू आता है, अलग ही लेवल का, देखो लाइटें कैसे दिख रही है, अभी भी मस्त लग रहा है। तो फिलहाल आए हैं पार्किंग में, भाई गाड़ी निकाल रहे हैं, ये सामने पहाड़ देखो आप ये घड़ी है गाड़ी, सो भाई गाड़ी में मतलब अभी तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं कहाँ जाना है, मुझे भी नहीं पता, भाई कह रहा है चल चलते हैं, मैंने कहा चलो चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या पता कहाँ जाना होगा, मैं अभी आ गया, सो अभी तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बैठेंगे निकलेंगे फिर पता लगेगा कहाँ जाने हैं और कहाँ जाके पहुँचेंगे और कहाँ रुकेंगे। तो यहाँ तो निकालने वाले थे गाड़ी, ये देखा ही ताला लगा हुआ है, सो अब दुकान पर चाबी भाई को फ़ोन किया, दुकान से चाबी लेके आनी है, सो जल्दी चलते हैं, तो लेके आता हूँ मैं, तो फाइनली यार चाबी तो लेके आ गई हूँ, और अब ताला खोलते हैं तो चलते हैं, मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, चलते हैं। बट तो फिलहाल तो यहाँ रुके हैं यार, भाई फ्रेंड फ्रुंड का है कुछ रेस्टोरेंट होटल जो भी है, तो भाई यहाँ गए अभी फ्रेंड के पास अपने, बैठे हैं मिलते हैं। तो अब का भाई हाईवे जहाज में बैठ सका है, और अब जाने वाला है चल दिया है, सो इधर की साइड जा रहे हैं यार, इधर को नहान पड़ता है, और इतनी दूर तो कहाँ जाएंगे, 35-30 किलोमीटर इधर, मतलब नहान वाला रोड है, नहान को जा रहा है चमटा नहान, ये जा रहा सीधा, सो इधर को जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता अभी कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं पहुँच को पता लगेगा। सो फाइनली यार दो मंचूर यहाँ लेके आया भाई मुझे भी नहीं पता था यहाँ ले गया है, कह रहा क्या खाएगा, मुझे यार बता तो देते, चलो कोई नहीं, सूख कहा है मैंने तो, ये देखो यहाँ पर मस्त है यार, अच्छा है मतलब रेस्टोरेंट होटल जो भी है, रेस्टोरेंट अच्छा है मतलब बहुत प्यारा है, अब सूप मंगवाया देखे आते, तो अंदर तो बैठने में बाहर आ गया, बाहर टेबल लगा रखा था, सो बाहर बैठ गए, अभी तो अंधेरा और कुछ नहीं दिख रहा, ये देखो पहाड़ है सामने, पहाड़ों पर लाइटें दिख रही है, टेबल ये है हमारा, और ये देखो यहाँ पर शादी चल रही है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं, वैसे DSLR इधर अकेले कैमरा नहीं है इसका, बट DSLR क्या है इतने अंधेरे में तो कहाँ दिखेगा, बट आपको बीच में ये अलग अलग रोशनी दिख रही है ना, ये सामने देखो वहाँ वाइट वाइट चल रही है, ये देखो यहाँ पर ये जल मतलब हो रहा है ना जो, यहाँ शादी हो रही है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी DJ के, नहीं हमें तो आ रही है, सो अच्छा हो गया, चलो गाने भी सुनने को मिल रहे हैं बैठे बैठे फ्री में और यहाँ पर ये नीचे खाई है पूरी, मुझे दिख रही है थोड़ी थोड़ी बट कैमरे में दिख रही है, देर आ रहा है, फ्लैश लाइट ऑन करके दिख भी रहा है, फ्लैश लाइट बंद करके कुछ भी नहीं दिख रहा, सो नीचे तो खाई यार, आगे पानी है, झील है मतलब गिरी है, जलाल है, यहाँ को पानी जा रहा बहुत बड़ा है, मतलब अभी तो पानी ज़्यादा नहीं है, बारिश के टाइम में इतना पानी आता है ना भाई साहब, लाजवाब मतलब तबाही, इतना पानी आता है भाई साहब। चलो कोई ना, अभी सुबह का वेट कर रहे हैं, तो फाइनली आपका भाई का सुबह आ गया है भाई साहब, देखते ही मुँह में पानी आ गया, इतना मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा है,
पीने में तो और भी स्वाद होगा, मुँह में पानी आ गया मेरे, सच कह रहा हूँ। फाइनली यार अब चलती है वापस, गाड़ी करते हैं बैक और चलते हैं वापस की तरफ घर पर। अभी तो भाई अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, अभी चलेंगे आराम से चलेंगे भाई। ये ओह ओह बारिश आ गई, ओह मैंने कहा बारिश आ गई, मुझे लगा बारिश कहाँ से आ गई। सीसा साफ कर रहे हैं, मुझे अचानक से पानी गिरा ना मेरा ध्यान गया, तो मुझे लगा बारिश आ गई, मैं भी सोचूंगा बारिश कहाँ से आ गई यार, साफ है बाहर तो मौसम। सो इस टाइम क्लोज दी शॉप, दुकान बंद कर रहे हैं और उसके बाद चले हैं घर पर अपना वापस। दुकान बंद हो चुकी है, सो मैं केला खाते खाते घूम के आते थोड़ा सा दूर, देर हो चुका है भाई साहब, फुल ट्रक अभी भी चल रहे हैं और देख सकते हैं आप। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा, सामने पहाड़ पे कुछ नहीं दिख रहा है, देर हो रहा है, मुझे बंद हो गई थोड़ी थोड़ी, नहीं दिख रहा, पैर दिख रहे हैं, देखो मेरे पैर दिखेंगे आपको, ये देखो दिख रहे हैं, थैंक यू। खोल जाइए, फ्लैश लाइट ऑन है ना, फ्लैश लाइट ऑन करके कुछ दिख रहा है क्या फायदा है। सो शुक्र है आपको यहाँ तो कुछ दिख ही रहा होगा। साथ यार आज का ब्लॉग करते हैं अभी फ्रेंड, क्योंकि 9 बज चुके हैं, घर जाके खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। सो शादी है 11-12-13 की शादी है, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं फ्रेंड। आई होप यार आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल करें सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।